उत्तर प्रदेश गन्ना एवं चीनी विभाग कार्मिक सेवा संघ का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए गोवर्धन सिंह गढ़बग्गी एवं महामंत्री पद के लिए अभय कुमार पांडे जी चुने गए। जी शुरू करें। जो आपका चुनाव हुआ है उसके बारे में अपना परिचय दे सकते हैं। निर्वाचित हुआ हूँ और मेरे अन्य सहयोगी जितने हैं सब निर्विरोध चुनाव हुआ है। ये पहली बार इतिहास है गन्ना आयुक्त कार्यालय में सभी कर्मचारी और सदस्यगण निर्विरोध चुनाव घोषित हुए हैं और हमारे जो भी कार्य होंगे वो हमारे कार्य हित के अनुरूप किया जाएगा। आपकी टीम में कुछ नए चेहरे हैं? हमारी टीम में नए चेहरे भी आए हैं काफी और महिलाएं का भी इसमें काफी जोरदार सहयोग रही है और कार्यालय के जो भी समस्याएं होगी उसके लिए हम लोग समस्याओं का निदान करने के लिए हर समय कोशिश करेंगे। चुनाव जो ये होता है कि कितने वर्षों होता है? चुनाव 2 वर्षों में होता है लगभग, कभी कभी ये 5-6 महीने लेट हो जाती है और ये हमारे चुनाव ये तो जून में ही हमने दे दिया था गन्ना आयुक्त को और गन्ना आयुक्त ने जून 6 दिसंबर तक 5 महीने लगा दिए गए इलेक्शन होने में और इसी कारण हम लोगों ने सब। जी आप अपने परिचय देते हुए आप कौन से पद पर निर्वाचित हैं, अपनी समस्या जो भी हो बताए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अभय पांडे है और उत्तर प्रदेश गन्ना एवं चीनी कार्मिक सेवा संघ का निर्वाचन विगत 13 दिसंबर को संपन्न हुआ, जिसका परिणाम जो है 17 दिसंबर को घोषित किया गया हमारे निर्वाचन अधिकारी द्वारा। निर्वाचन अधिकारी के परिणाम घोषणा पत्र के बाद हम सभी जो गन्ना विभाग के कार्मिक सेवा संघ के पदाधिकारी हैं सभी निर्विरोध घोषित किए गए हैं और हम सबका पहले से ही ये मूल मंत्र था, मूल उद्देश्य ही था कि हम आपसी सामंजस्य और एकता को प्रदर्शित करते हुए एक दूसरे के विरोध में ना पर्चा दाखिल करेंगे और ना ही ऐसा कोई मैसेज अपने हायर अथॉरिटीज को भेजेंगे जिससे हमारी कहीं से भी कोई वैमनस्यता या फूट या किसी भी इस तरह की कमजोरी का परिचय उन्हें मिले। हम लोगों के यूनियन का मूल उद्देश्य ही या मूल मंत्र ही है आपसी सामंजस्य एवं एकता। हमारे विभाग में फिलहाल ऐसी कोई बड़ी समस्याएं नहीं है, समस्याएं सब छोटी छोटी हैं लेकिन उनको बड़ा रूप दे दिया गया है। बहुत ही कर्मठ कर्मचारी है, बहुत ही कर्मठ अधिकारी है, सभी आपस एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे को मेलभाव बनाते हुए काम कर रहे हैं और विभाग फिलहाल बहुत अच्छे आयामों पे जा रहा है, बहुत ही कीर्तिमान स्थापित कर चुका है और आगे निरंतर वृद्धि कर रहा है। ये जो आपका कार्यक्रम होगा सबसे समारोह कब होगा? हमारे सभी कार्यकारिणी के लोगों ने कल बैठक करी और उसमें प्रस्ताव पारित किया कि पहले हम माननीय मंत्री जी, हमारे विभाग के जो माननीय मंत्री गन्ना एवं चीनी मिले हैं उनसे समय याचना करें, वे जो समय प्रदान करें तो उस दिन हम समय लेकर उनसे शपथ ग्रहण कराएं अपना। तो माननीय मंत्री जी के पास हम लोगों क्या है, उन्होंने 24 दिसंबर को अपराह्न 2 बजे का समय हम लोगों को दे दिया, तो हम लोग 24 दिसंबर को गन्ना संस्थान के प्रेक्षागृह में अपराह्न 2 बजे अपना शपथ ग्रहण करेंगे। आपकी टीम में कितने पद हैं? हमारे यहाँ टोटल जो है पदाधिकारियों में 8 पद हैं और कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उसके 11 पद हैं। कौन कौन निर्वाचित हुए? हमारे अध्यक्ष पद पे माननीय श्री गोवर्धन सिंह गढ़बग्गी जी, उपाध्यक्ष पे श्री लक्ष्मीकांत त्रिपाठी जी, महामंत्री पे मैं स्वयं अभय कुमार पांडे, उसके अतिरिक्त संगठन मंत्री पे हमारे श्री हसन जमाल जी, संयुक्त मंत्री के हमारे यहाँ 2 पद हैं जिसपे एक महिला है श्रीमती सावित्री देवी जी व इनके अतिरिक्त हमारे श्री राम आश्रय मौर्य जी, ये दोनों हमारे संयुक्त मंत्री के उसपे हैं। हमारे सांस्कृतिक मंत्री श्री मेराज अली व कोषाध्यक्ष। आप कौन से पद पर निर्वाचित हैं, अपना परिचय देते हुए चुनाव के बारे में बताएं। जो नॉमिनेटेड सदस्य होते हैं उनमें, मेरा नाम पूजा तिवारी है और
सिविल यूनियन में, तो मेरा हमेशा निशान का नाम नॉमिनेट किया गया है। संगठन आप कैसे सहयोग करेगी? जब भी आवश्यकता पड़ेगी के साथ खड़े रहेंगे, और जाहिर सी बात है यूनियन इसीलिए बनती है कि कोई अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको गलत ना होने दें, अगर किसी भी कर्मचारी के लिए या किसी के लिए भी कुछ भी गलत हो रहा है तो जैसे सहयोग सभी करेंगे वैसे मेरा।